अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। आज हमारा टॉपिक है एफईसी सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जो बहुत ही इजी है। और पहला पार्ट मैं कर चुका हूँ, उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये सवाल हमने 6 रूल की मदद से करने हैं। तो एक्स हमारे पास एक अलग फंक्शन है और वाई जो है ये हमारे पास एक अलग फंक्शन, ये दो अलग अलग फंक्शन है। तो हम पहले एक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे और फिर दूसरे का। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन, फिर क्या करता हूँ यही लिखता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि एक्स इक्वल 3at² + 2, इसको मैंने दिए इक्वेशन 1। फिर दूसरा लिख लूँगा वाई इक्वल 60⁴ + 9 आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा इक्वेशन 2। यहाँ पे हमने चेन रूल का फार्मूला लिखना है, जो वो है हमारे पास डी वाई डी एक्स इक्वल, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि डी वाई डी टी डॉट डी टी डिवाइड डी एक्स, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन ए। तो अब हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है और इसका दोनों का डेरिवेटिव निकाल के और फिर इस इक्वेशन ए में मैंने पुट करना है, बस इतना सा काम है। तो हम निकालते पहले का डेरिवेटिव, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले का डेरिवेटिव हम निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं इसका वो इक्वेशन खैर अपने लिए मैं दोबारा लिख लूंगा, एक्स इक्वल 3at² + 2। तो हमारे पास हो जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या जाएगा टी। तो आपके पास आ जाएगा डी वाई डी वाई और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी तो आपके पास आ जाएगा डी एक्स और डी टी इक्वल डी एक्स डी टी, यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगा 3at² + 2, ये आपके पास इस तरह जाएगा डी एक्स डी टी इक्वल इसका ये 3 और ये a, ये 3 और ये a, ये दोनों हमारे पास क्या है कांस्टेंट है। ये 2 जो है ये इस तरीके से जब मल्टीप्लाई हो गई यानी इसके कोफिशिएंट के साथ, तो यहाँ भी इसका 3 बनता है। तो आपके पास आ जाएगा ये आ जाएगा 6 और a इस तरह कांस्टेंट आ जाएगा और ठीक है एक पावर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और 2 की जगह कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। तो ये पहले का आ गया। अब मैंने आपसे कहा था पहले सवाल में भी कि देखिए डी एक्स और डिवाइड बाई डी टी, यहाँ पे डी टी डिवाइड डी एक्स है यानी इसका मैं क्या करूँगा रेसिप्रोकल करूँगा। रेसिप्रोकल जब करूँगा तो ये मेरे पास किस तरह हो जाएगा, ये डी टी ऊपर जाएगा और ये डी एक्स नीचे आ जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा इसके नीचे 1 होते हैं 6at के नीचे, लेकिन हम शो नहीं करते, ये 1 ऊपर जाएगा और ये 6at जो है ये नीचे आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन ए है और ये हमारे पास क्या इक्वेशन 3 है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का हमारे डेरिवेटिव निकालना है वी इक्वल 60⁴ + 9। तो यहाँ मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपके पास आ जाएगा डी वाई डी टी इक्वल डी वाई आ जाएगा आपके पास डी टी और ये मुकम्मल आपने यहाँ पे लिखना है 60⁴ + 9। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह का डी वाई डी टी और इसका डेरिवेटिव कितना होगा ये 4 जो है, अब ये इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई इन 24 हो जाएगा और टी की पावर 4 है हमारे पास टी की पावर क्यों हो जाएगा और जो कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव हमेशा हमारे पास क्या होता है 0 होता है। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं होती, ये आपके पास इक्वेशन हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आपने क्या करना है पुट इक्वेशन 3
एंड इक्वेशन फोर इन इक्वेशन ए में आपने क्या करना है, पुट करना है, इस इक्वेशन में आपने पुट करना है इक्वेशन थ्री को और इसको इक्वेशन फोर को। तो ये आपके पास इस तरह जाएगा डी वाई और ये आपके पास जाएगा डी एक्स इक्वल डी वाई और डी टी। डी वाई और डी टी की वैल्यू ये है इक्वेशन फोर, ये वही पुट करोगा 24t³ सही है, ब्रैकेट में भाग कर लोगे ये, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और डी टी और डी एक्स की वैल्यू मेरे पास ये है जो हमने रेसिप्रोकल किया था 1/6at। ये आपके पास आएगा 1/6at। अब मैं क्या कर सकता हूँ डी वाई डी एक्स, अब ये 6 देखिए इसके साथ कर जाएगा 6 1 6 6 4 24 और यहाँ पे टी क्यूब है कितने 3t है, ये टी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर रह जाएगा, यानी हमारे पास ये क्या रह जाएगा यहाँ पे 2t रह जाएंगे। तो मैं लिखूंगा 4t² और नीचे मेरे पास क्या रह जाएगा ये a। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आए। फिर भी अगर कोई मसला तो आप वो प्रॉब्लम हमारे साथ कमेंट के जरिए शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।